कौन सी मूवी देख रहा है? टाइगर देख करके आ रहा हूँ और मूवी अच्छी है। सलमान खान की एंट्री बहुत अच्छी है और मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन जवान जैसा धमाका नहीं था, पठान जैसी फीलिंग नहीं थी, लेकिन ठीक ठाक है। इमरान हाशमी का बहुत अच्छा काम है, सलमान से अच्छा काम है। कैटरीना बॉन्डिंग वेरी गुड, और सबसे अच्छा काम मुझे इमरान हाशमी का लगा। डायरेक्शन ठीक ठाक था, सॉन्ग एक सॉन्ग मुझे अच्छा लगा और लास्ट में वो तो मैं अभी निकल ही गया। 3 पठान जो है रिलीज़ हो गई है और फाइनली टाइगर जो है रिलीज़ हो गई है, टाइगर 3। और एक्चुअली पठान इसलिए दिमाग में चल रहा है क्योंकि जो शाहरुख भाई की जो एंट्री थी इसमें ना, जो शाहरुख सर की एंट्री थी एकदम गजब वाला धमाकेदार जो है, और जो उसके सॉन्ग्स हैं एकदम काफ़ी मस्त रहे हैं सारे। सलमान भाई की एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त एंड मस्त है, और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दीपावली पे हम लोगों को गिफ्ट मिला है सलमान भाई की तरफ से, तो मैं पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि आप लोग थिएटर में आएँ और रिटर्न गिफ्ट भाई को ज़रूर दें और बहुत अच्छा कलेक्शन करवाएं। बाउंडिंग बहुत अच्छा ज़बरदस्त, मतलब वही एक बार फिर से जो एक म्यूज़िक है ना टाइगर 3 का, वो म्यूज़िक कहीं ना कहीं आज भी वही जहन में कैलकुलेट कर रहा है, बहुत यूनिक। मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव कैरेक्टर जो है थोड़ा सा लो डाउन जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे मतलब मुझे लगता है कि इसके अलावा भी कोई कैरेक्टर हो सकता था, तो कौन हो सकता था ये तो नहीं पता, बट वो किसिंग सीन्स के लिए बने हैं तो शायद मुझे लगता है कि उनको उसी सीन्स के लिए रखा जाए। इसमें वो है नहीं, बट उनका जो करेक्टर जैसे हमारे दिमाग में हमेशा आता है, तो इस तरीके से सारे सीन्स ही टाइगर 3 के काफ़ी मतलब मस्त रहे हैं, एकदम सुपर डुपर हिट जिसे बोल सकते हैं उस तरीके से रहा है, और हॉल पूरा थिएटर भरा हुआ है। 5 में से 5 देना, सलमान सर को वही 5 में से 5 देना चाहूँगा, और शाहरुख भाई भी आए थे यार गजब, मतलब वो जो धमाल जो था ना एकदम बहुत ज़बरदस्त गया है इसका, और जो इसका गाना जो था अभी वो भी बहुत अच्छा मस्त। वेलकम उम्र की मूवी हिला दिया है। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? टाइगर 3। अच्छा लगा? मूवी तो एक नंबर है भाई, खत पैसा वसूल है। अच्छा, और इसमें जो एक्शन दिए है ना, एक्शन भी अच्छा है, और जो शाहरुख सर का कैमियो रोल जो है 10 मिनट का, वो भी एक नंबर है, पैसा वसूल है गाइस। टाइगर की एंट्री किस तरह से थी? एंट्री तो वही शुरुआत से बाइक से ही करता है, एक नंबर। साथी मैं जानना चाहूंगा आपसे, सलमान सर और कैटरीना दोनों का बॉन्डिंग कैसा था? हाँ अच्छा अच्छा लगा, इन्हीं दोनों को, विक्की कौशल से शादी हो गया मगर इन्हीं लोग का जोड़ी अच्छा लगता है, एक नंबर। हाँ, आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 में से 5 स्टार। हाँ, 5 में से 5। टाइगर टाइगर, थैंक यू। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? टाइगर। कैसी लगी मूवी? बहुत नहीं, कुछ खास नहीं है, शाहरुख के अलावा कुछ नहीं एंट्री। सलमान की एंट्री कैसी लगी? ठीक ठाक, कुछ खास नहीं। और सलमान का दोनों का बॉन्डिंग कैसा था? हमेशा की तरह, बस कुछ खास नहीं है भाई। इमरान हाशमी जो नेगेटिव, हाँ उसका बहुत अच्छा है, इमरान हाशमी और शाहरुख खान बस। शाहरुख खान, गाने कैसे लगे आपको? गाने अरिजीत है ना, गाने अच्छे लगे? पहली बार तो कुछ करा है अरिजीत से। क्या बात है साथी, मैं जानना चाहूंगा कितना स्टार देना चाहेंगे आप? 3। कितना? 3। नहीं, तब तक क्या लगा, जब तक टाइगर मारा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। टाइगर 3, टाइगर 3। मूवी तो बहुत अच्छी थी, शाहरुख खान का कैमियो भी अंदर, ऋतिक रोशन का भी, शाहरुख खान का तो मैं डायहार्ड फैन हूँ। सलमान की एंट्री कैसी थी? सलमान की एंट्री, सलमान खान एक्शन में टॉप हीरो है, एक्शन में सलमान खान, शाहरुख खान कुछ नहीं है। शाहरुख खान रोमांस में, शाहरुख खान की वजह से चलेगी है, शाहरुख खान की वजह से चलेगी, शाहरुख खान की वजह से 200 करोड़ कमाने वाली बस शाहरुख खान की वजह से, बाकी 100 करोड़ ऋतिक रोशन की वजह से। उन लोगों की बॉन्डिंग तो पहले की, उन लोगों की बॉन्डिंग केमिस्ट्री उन लोगों की दोनों की अच्छी है बहुत। इमरान हाशमी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत नेक्स्ट लेवल। उनको विलन के तौर पर देखना
देखना चाहिए मूवी, आके एक बार देखना चाहिए प्लीज। शाहरुख खान, शाहरुख खान की जो एंट्री हुई है ना, हाँ सॉन्ग्स ठीक है, दो सॉन्ग्स है लेकिन मस्त है। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ही एक्शन है, थोड़ा बहुत कॉमेडी पार्ट रहना चाहिए था लेकिन ओवरऑल जवान 4 out of 5। नहीं जवान बहुत अच्छी, जवान बहुत अच्छी मूवी थी, वेलकम जवान बहुत अच्छी मूवी थी, कौन सी मूवी थी जवान, अच्छी मूवी थी बस जवान देख के आ रहा हूँ अभी तक, ये बहुत बेस्ट मूवी बनी। हेलो सर प्लीज। टाइगर 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 थ्री, टाइगर थ्री की पठान थी यार, टाइगर थ्री थी अच्छी थी, एवरेज थी अच्छी थी एवरेज। हाँ वही कैजुअल एंट्री जो हमेशा रहता है सलमान का, इतना खास नहीं। शाहरुख इमरान हाशमी और शाहरुख खान, सलमान का भी सही है, सलमान की पिक्चर तो सलमान का ही एक्टिंग सही है लेकिन एक्सपेक्टेशन जो था ना उससे थोड़ा पुष्पा पे आना चाहिए। बढ़िया उसका डायलॉग डिलीवरी इमरान हाशमी का बहुत बेस्ट है, सही है अच्छा, वो तो हमेशा से देखते आ रहे बचपन से वो केमिस्ट्री इतना। सॉन्ग्स तो दो ही है ना, एक अच्छा है दोनों सॉन्ग अच्छे। डायरेक्शन थोड़ा अलग है, खिचड़ी जैसी लग रही है मूवी, खिचड़ी बनी हुई है, क्या क्या स्टोरी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें समझ में नहीं आ रहा बहुत। नाना नानी वाला डायलॉग तो बोल, नाना नानी उससे मतलब जब तक नाना नानी क्या है कुछ याद ही नहीं है, मतलब सही है देख सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। तो फाइव स्टार कितना देगा? फाइव स्टार सर, टाइगर थ्री देख के आ रहे हैं बेसिकली, बहुत अच्छी मूवी है, सबको आना चाहिए, सबको देखना चाहिए सर। सलमान की एंट्री कैसी थी? एक नंबर सर, ओपी सलमान सर आए और कोई ताली ना मारे तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर। सबसे हार्ड लगा टाइगर, सलमान सलमान सर, सलमान सर, सलमान सर के आगे सब कोई फीका था सर, जी सर। बहुत अच्छी बाउंड्री थी सर, बहुत अच्छी। हाँ उसमें है नेगेटिव किरदार में बट वो वे में नहीं आ रहा कि जो बड़े एक्टर होते हैं मतलब विलन में, लेकिन ये थोड़ा रोमांस में इसका करते हैं बट वो वे में नहीं आ रहा, विलन का नहीं किरदार उतना नहीं मच रहा। सॉन्ग से एक नंबर है सर, सुपर। फाइव में फाइव सर, मूवी फाइव में फाइव सर। थैंक यू सो मच। कौन सी मूवी देख के आ रहे हो सर? टाइगर थ्री। कैसी लगी मूवी? इसका एक डायलॉग है सलमान खान का, जब तक टाइगर जिंदा है तब तक टाइगर हारा नहीं है। उसमें टाइगर हारा है कि नहीं? नहीं हारा है वो तो, बोला जिंदा है और हारा है नहीं जी। और उसमें एक्शन बहुत ज़्यादा है इसमें पिक्चर में, वो मतलब कि अपने वो बोर नहीं होती है, और उसके साथ में रोमांस कैटरीना कैफ भी है, उसके साथ में एजेंट भी है और बेहतरीन दूसरा एक विलन भी है उसमें इमरान हाशमी। इमरान हाशमी नेगेटिव में दिख रहे हैं? हाँ नेगेटिव अच्छा है लेकिन अच्छा है। किसका काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और किसका एंट्री हार्ड लगा, कैटरीना है? सबसे अच्छी एंट्री जो है पठान की है, शाहरुख खान की। सॉन्ग्स वगैरह कैसे? सॉन्ग्स दोनों गाने अच्छे हैं, लेके प्रभु का नाम लास्ट में जो गाना आता है और स्टार्टिंग में जो है अक्षया वाला गाना अच्छा है। कोई सा पार्ट और सीन जो आपको पसंद आया? उसका एक डायलॉग है सलमान खान का, मैं दिवाली पटाखे फोड़ के नहीं मनाता हूँ, मुँह मीठा करके मनाता हूँ, वो अच्छा लगा। आउट ऑफ फाइव कितना स्टार देना चाहेंगे? फाइव 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 सबको फाइव फाइव। थ्री बहुत अच्छी भाई, सलमान खान ऑब्वियस। हाँ 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 10 मिनट पूरा लिया उन्होंने एंट्री के लिए, कैटरीना शाहरुख भी है और एकदम एंड में देखोगे तो वो मार्वल में जैसे आता है ना कि नेक्स्ट फिल्म में क्या आएगा, वो वैसा भी दिखाया गया ऋतिक रोशन को लेकर वॉर टू के लिए शायद। वो तो हर बार जैसा रहता है वैसा है उनका, लेकिन इसमें थोड़ा स्टार्ट से थोड़ा अलग था, बाद में तो वो जैसा रहता उनका वैसा। नेगेटिव में तो मतलब अच्छा ही करते हैं, अभी काफ़ी टाइम से तो नेगेटिव ही करते आ रहे हैं लेकिन इसमें उनको अच्छा दिखाया गया है, यूज़ दिखाया गया है कि हाँ नेगेटिव है बंदा। सबसे एंड वाला सीन है जो सलमान और उनका जो बेस्ट सी फाइटिंग सीन है, जो कम से कम 7 से 8 मिनट का फाइटिंग सीन है, वही बेस्ट था उनका। देखो सबसे बेस्ट डायलॉग तो उनका वही है, जब टाइगर मरा नहीं तब तक हारा नहीं। बाकी एक और डायलॉग है उनका कि आप दिवाली पे
पटाखे छोड़ते, हम लोग दिवाली पे मुंह मीठा करवाते, बस यही हमारी तो यही दिवाली थी जो अभी देख कर आ रहे हैं। सलमान खान थे इसलिए हम देखने आए। डायरेक्शन बहुत अच्छा था, एक्शन सीन तो सबसे बेस्ट था। सॉरी क्या? सलमान को कितना स्टार देंगे? 5 to 5, 5 to 4। थैंक यू। टाइगर थ्री एंट्री कैसा था सलमान का? टाइगर जैसा? टाइगर से भी धाकड़। और किसका एंट्री? और शाहरुख भी थे, इमरान भी थे, लेकिन जो होता है ना हीरो हीरो ही होता है मूवी का। और जिस हिसाब से उनका कैमियो हुआ था पठान के अंदर सलमान खान का, तो वो क्या था ना कि वो अचानक था। इसमें सबको पता था कि कैमियो होने वाला है, तो सभी को पहले हिंट मिल गए थे कि किस टाइम पे कैमियो होगा, और वो सब लोगों ने पहले ही आइडिया लगा लिया। लेकिन पठान में जैसे आप कैमियो और उसके बाद टाइगर थ्री में बॉन्डिंग अच्छी थी, लेकिन इसके बारे में अभी क्या बताएं, क्योंकि हो सकता है ये शादी से पहले शूट हुई होगी शायद, तो बढ़िया थी। वो भयंकर सच्ची में लगा नहीं था कि वो उस रोल से उठकर कुछ हटके कर रहे हैं, और सच्ची में यानी लगता है कि सामने वाला एकदम प्रॉपर उसमें घुस गए कि हाँ भाई विलन ऐसा होता है और मैं ये विलन करता हूँ। सीन में सबसे अच्छा सीन वही होता है जब वो अकेला उस जेल को तोड़ के भागता है और वो कहता है कि जब तक टाइगर डरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं, यही सबसे अच्छा डायलॉग था। बाकी मूवी एकदम, डायरेक्शन भी अच्छा था, एक्शन अरे एक्शन पूरा मस्त था। सलमान भाई के लिए आए तो सलमान भाई को पूरे, और बाकी फिल्म सबने अच्छी मेहनत की है। तो किसको? मूवी को 5 to 5, मूवी अच्छी लगी। थैंक यू, हैप्पी दीपावली भैया। या सर कौन सी मूवी देख के आ रहे? टाइगर थ्री। कैसी थी एंट्री टाइगर की? एंट्री टाइगर की जैसे हर फिल्म में होती है ठीक ठाक थी। और किसकी एंट्री हार्ड लगी आपको? शाहरुख की। शाहरुख की? शाहरुख की, क्यों? वो एक तो एंड टाइम पे उसे बचाने के लिए आता है, और मोस्टली लोग शाहरुख के फैन थे वो भी देखने के लिए गए थे, जैसे मुझ जैसे लोग तो शाहरुख को देखने के लिए गए थे। तो उनकी एंट्री भी है कमाल की, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एंट्री है, पता चल जाता है कि शाहरुख की एंट्री है। कटरीना भी है इसमें, सलमान भी है, दोनों की बॉन्डिंग कैसी थी इस बार? बॉन्डिंग जैसे टाइगर 1 और 2 में थी वैसी थी, और बाकी जो कैमियो था वो काबिले तारीफ था, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनी है। और इसमें मेन चीज़ ये अच्छी लगी कि इमरान हाशमी जो नेगेटिव में थे, उन्होंने मतलब कमाल कर दिया, काबिले तारीफ है उनका काम, क्योंकि हम उन्हें एज ए रोमांटिक हीरो देखते आ रहे हैं, और अचानक से उन्हें एक्शन हीरो में देखा, और मतलब काबिले तारीफ है वो। मूवी के अंदर काफ़ी डायलॉग है, काफ़ी सीन है, कौन सा आपको पसंद आया? लास्ट में सलमान खान के थे एक दो डायलॉग्स जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, एक तो वो कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक हारा नहीं। और काफ़ी अच्छी मूवी, आप भी देखो एक बार, देखो वन टाइम वॉच मूवी है। सॉन्ग्स तो ज़्यादा थे नहीं, 2 ही सॉन्ग्स थे तो अच्छे थे, एक तो लास्ट में था तो वो मतलब मूवी से कोई रिलेट नहीं करता था, बाकी एक बीच में था ठीक था। हाँ एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे शूट किया, डायरेक्शन भी अच्छी है। 3.5 मूवी को भी, ऑल ओवर 3.5। वन टाइम वॉच मूवी है वो, ऐसी वो वाली बात नहीं है कि वाह एक बार और देखो एक बार और देखो, बस वही है। थैंक यू, थैंक यू। खड़े हो जैसे आना चाहिए, है कि नहीं? सर कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? टाइगर थ्री देखी, दिवाली का दिन, रविवार, छुट्टी, 7:50 का शो, इतनी पब्लिक, तो थोड़ा दिल खुश हो गया। पिक्चर अच्छी लगी, पिक्चर अच्छी है, इंटरटेनमेंट है, थोड़ी वायलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, गोली बंदूक आवाज धूम धड़ाका वो बहुत ज़्यादा है। टाइगर जैसे एंट्री किसकी थी? शाहरुख है इसमें, सलमान है। देखिए टाइगर की एंट्री तो सलमान ही नंबर वन है, बाइक से जो एंट्री आती है पहली वो बहुत अच्छी है, उसके बाद शाहरुख खान आता है पठान के रूप में इसको हेल्प करने के लिए, वो भी बहुत अच्छा किया है, डायलॉग्स 2-3 बहुत अच्छे हैं। आपको कौन सा पसंद है? हमको एक डायलॉग पसंद आया कि बुरे वक्त ठहर जा, वक्त को देर नहीं लगती वक्त बदलने में, वो बहुत अच्छा लगा, दिल को टच किया। म्यूजिक अच्छा है, पहला एक गाना है वो भी अच्छा है, और ये लास्ट वाला जो गाना है वो तो रिलीज़ हो चुका है वो भी अच्छा है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, रसिया दिखाया, टर्की दिखाया, ऑस्ट्रिया दिखाया, तो वो सब भी तो पैसा वसूली है ना, आप घर बैठे अगर इतना आप देखते हैं तो। एक्शन मूवी है, बहुत बहुत डायरेक्शन अच्छा है, मनीष शर्मा का डायरेक्शन अच्छा है। आउट ऑफ 5 किसको
किसका काम अच्छा लगा, किसको स्टार देना चाहिए? सलमान ही, सलमान बेस स्टोरी है, कैटरीना भी इसमें माने 60-40 बोल सकते हैं आप। और मूवी को कितना स्टार दूंगा? मूवी को 3.5 स्टार दूंगा। 3.5 साढ़े तीन इसलिए कि मैंने दूसरा कोई कॉमेडी बोली है या ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब लड़ाई झगड़ा भाई दिखाया। और एक बड़ी बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान बेस स्टोरी बनाई है तो जो जुनून आना चाहिए हम लोग को हिंदुस्तान में वो नहीं आता। ओके तो सर, सबसे पहले कौन सी मूवी देख के आए हो? मैंने मूवी देखी टाइगर 3, जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार था, और मूवी देख के हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। मतलब जिस तरह के एक्शन सीन्स हैं, जिस तरह के स्टंट्स हैं, देख के रूह खुश हो गई बिल्कुल। मतलब बहुत मज़ा आया। किसका एंट्री टाइगर जैसा था भाई? ज़बरदस्त एंट्री सलमान खान की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एंट्री। इतनी सीटियाँ तालियाँ बजी, पहले सलमान की एंट्री पे और फिर सेकेंड हाफ में शाहरुख की एंट्री पे। और मनीष शर्मा का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और कैटरीना कैफ ने भी इतने अच्छे एक्शन सीन्स निभाए, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और सरप्राइज एलिमेंट इन द नेगेटिव रोल, इमरान हाशमी क्या ज़बरदस्त एक्टर हैं, मतलब बहुत अंडर यूटिलाइज लगते हैं मुझे वो। और उसके साथ साथ सिनेमेटोग्राफी इस मूवी का सबसे बड़ा हाई पॉइंट है कि जहाँ भी शूट हुई, टर्की, ऑस्ट्रिया या फिर रशिया, इतने अच्छे से सीन्स शूट किए अलग अलग एंगल से, वो तो वो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। तो अनिल गोस्वामी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात एडिटिंग भी शार्प है। 2.5 घंटे की मूवी है, आप बोर नहीं होंगे कहीं। सॉन्ग्स से एक लेट डाउन लगा मुझे, लेके प्रभु का नाम और एक रुआ, दो ही सॉन्ग हैं। प्रीतम का म्यूज़िक और अच्छा हो सकता था, बाकी सब प्लस पॉइंट्स है मूवी के, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग। सलमान को तो 5/5 बिल्कुल, मूवी को मैं दूंगा 3.5 वो म्यूज़िक की वजह से। म्यूज़िक थैंक यू। बोल दो क्या? अच्छा टीशर्ट, अच्छा ओके टाइगर जिंदा है। तो जैसे टाइगर जिंदा है तो उसी तरीके से दिल में भी टाइगर, दिल में टाइगर नहीं, सलमान भाई है यार। सलमान भाई बिल्कुल जी। कैसा लगा आपको टाइगर? टाइगर 3 है ये, और टाइगर 3 बहुत ही मस्त ज़बरदस्त लगा है मुझे, बल्कि पूरा थिएटर जो है फुल गया था, और मैं थिएटर में भी बहुत झूम उठा था, डांस करने लगा था। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने इस पिक्चर को, और मुझे लगता है कि सलमान भाई ने हम सभी लोगों को दीपावली का गिफ्ट दे दिया, वो भी बम्पर गिफ्ट कहते इसे, तो रिटर्न गिफ्ट तो देना बनता है ना। तो सारे पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पिक्चर्स देखने के लिए आए और भाई को रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दें। एकदम जबरदस्त एंट्री थी। बस शाहरुख भाई की भी एंट्री ऐसी थी ना, हिला के रखने वाला, मतलब ऐसा एंट्री कि भाई साहब पूरा थिएटर स्टैंडिंग लेवल पे था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो इसमें एक जो सबसे लास्ट में एक राष्ट्र गान को जो है रिप्रेजेंट किया गया, ये सबसे बेस्ट था। सभी लोग स्टैंड किए और सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ताली बजाए और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और किसका काम अच्छा लगा इसमें? सभी लोगों का काम अच्छा था। कैटरीना का जो एक्शन सीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेवल पर जाता है हर वक्त, और मैं तो यही कहना चाहूँगा सलमान भाई आप ऐसे पिक्चर्स हमेशा लेके आते हो भाई। और गाना कैसे लगा? गाना बहुत अच्छा, लेके प्रभु का नाम वाला जो गाना है वो बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट गया है, और हिट्स तो है ही है। आपने तो स्टेप ही सीख लिया।
ये मूवी देख के तो मैं स्टेप नहीं कह सकता, बट ये मेरा खुद का ही स्टेप था जो मैंने खुद से किया था। कल एक बार थोड़ा घर पे ट्राई किया था, उसके बाद फिर बस यहाँ पे। फाइव में से मैं 5 रेटिंग्स देना चाहूँगा, क्योंकि रेटिंग्स तो कट हो नहीं सकते, रीज़न ही नहीं है। अगर मैं रेटिंग्स कट करता भी तो 2.5 तो शाहरुख भाई के लिए, 2.5 सलमान भाई के लिए, तो रेटिंग्स तो कभी। और इतने सारे स्टार कार्ड्स, अगर एक एक रेटिंग भी सबको दूँ तो यार 5 तो रेटिंग्स ऐसे ही नॉर्मली बन जाता है। रेटिंग्स को थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि हम जैसे ऑडियंस आए और इसको और रेटिंग्स दे सकें। 5 में से 5 सलमान सर को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि उनका बर्थडे आ रहा है 26 को, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे रिटर्न ऑफ द डे सर। और आप ऐसे ही हम लोगों के लिए पिक्चर्स लेकर आते रहिए और आप हम लोगों को इंटरटेन करते रहिए, बिकॉज क्योंकि हम लोग थिएटर में इसीलिए आते हैं ताकि हम अच्छे स्टार कास्ट और अच्छे पिक्चर्स देख सकें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड टाइगर थ्री देखने के लिए, और मैं बताना चाहूँगा कि मैं सलमान खान का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं। और मैं सलमान खान की हर फिल्म देखने जाता हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, उनकी सारी फिल्में को उनको मैं लाइक करता हूँ। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी टाइगर 3। होप इट विल बी अ ब्लास्ट एंड इट विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। सलमान सर इतनी मूवी बनाए, कोई मूवी है आपके दिल के करीब? जी, बजरंगी भाईजान है, और भी बहुत सारी फिल्में, लेकिन बजरंगी भाईजान डायलॉग, हाँ, जब तक टाइगर जिंदा, क्या था डायलॉग, जब तक टाइगर जिंदा, कोई दूसरी फिल्म का, हाँ, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया, फिर उसके बाद अपने आप नहीं सुनता, वांटेड का डायलॉग है। जी बिल्कुल धमाल। सलमान सर को कोई मेरी तरफ से मैसेज दे देना कि मैं उनका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच।